आप जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो चला रहे हैं उसका क्या मकसद है? मकसद उसका साफ है कि इस देश में जो है सबकी जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए हर स्तर पर। क्या मौजूदा सरकार तो कह रही है ना सबका साथ सबका विकास, तो कह तो रही है कर तो नहीं रही। उसने तो बहुत कुछ कहा था, उसने जो है 19 के जब चुनाव में गई थी तो उसने कहा सबका साथ सबका विकास और जो हम सबको रोजगार देंगे और जो जो विदेश सरकारों जो पैसा जमा है काला धन उसको हम ले आएंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे और 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे। लेकिन इसके बाद तो जुमला ठहरा दिया, नहीं किया। तो ये तो कहते रहते हैं, देश के विकसित सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो काम कर रहे हैं सबको अलग अलग बांट कर और उनको रखना चाहते हैं। तभी तो देश में जो है चलते रास्ता से उठाकर उसको आतंकी बना रहे हैं, उसको नक्सली बना रहे हैं और जेल भेज दे रहे हैं। जो देश की समानता के लिए बात करता है तो उसको जेल भेज दे रहे हैं। अब जो ये अभी आदमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है उसमें कुछ कहेंगे? तो शिलान्यास हुआ तो शिलान्यास ये तो सरकार के काम है तो कुछ ना कुछ तो करेगी ही, और वो तो शिलान्यास होकर काम में अधूरे पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि सुहेल देव नाम ना होकर जहाँ के जो वो है उनका नाम तो हमेशा इस तरह का चलता रहेगा क्योंकि वो इस देश में लोगों को घटनाओं में लाकर और देश को बांटना चाहिए, लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं ना देश को। तभी तो इस देश में बेरोजगारी आएगी, तभी तो अशिक्षा रहेगी, तभी तो ये लोग बटे रहेंगे आपस में, तभी तो वो स्थापित रहेंगे, वो इसलिए ये काम कर रहे हैं। जाके अपना हक मांगे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रिहाई मंच तैयार है और अपना जनता के हक को दिलाने के लिए ही राजीव यादव को उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ आजमगढ़ में कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और कहीं पे? हम तो एक ही कैंडिडेट अभी लड़ा रहे हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना आर्थिक रूप से हमारी हैसियत है और ना ही हमारी हैसियत अभी ये पब्लिक में ऐसी है कि हम एक से ज्यादा सीटें लड़ा सकें। यहाँ भी एक सीट लड़ाने में भी हमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हम ही जानते हैं। आपने कहा कि कई पार्टियों से हम गठबंधन करेंगे, अब पहले से ही राजीव यादव जी का ऐलान कर दिया निजामबाद सीट से, तो गठबंधन के साथ फिर बंटवारा सीट तक कैसे? नहीं, गठबंधन के साथ बात करने के बाद ही ऐलान किया है, हमने यूं नहीं ऐलान कर दिया है। हमारी बात बहुत जमाने से चल रही है और हमने ये फैसला 2 साल पहले ले दिया था, राजीव यादव से कहा था कि अपना कोई क्षेत्र तैयार करो, ये फैसला पहले का है और तमाम पार्टियों से बातचीत करने के बाद इनके नाम का ऐलान किया।